हेलो दोस्तों, पावर बीआई ट्यूटोरियल के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इंडिया का जो मैप है उस मैप पे स्टेट वाइज सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं। तो मैप पे अगर आपको कोई भी अगर रिपोर्ट बनाना है तो आपका जो डेटा सेट है वो उसी के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि डेटा सेट में कम से कम या तो स्टेट होना चाहिए या कंट्री होना चाहिए या फिर पिन कोड होना चाहिए। तो चलिए, ये जो मैं बनाने वाला हूँ ये रिपोर्ट, उससे पहले मैं आपको डेटा का सैंपल दिखा दे रहा हूँ। तो मेरा जो एक्सेल का डेटा है वो मेरा डाउनलोड्स में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स मेकर के एक डेटा का फाइल है। अगर इस डेटा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ कॉलम है, जैसे कि पहला है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, कितने अमाउंट का सेल हुआ है। और यहाँ पे दो मेरे पास जो कॉलम है, पहला कॉलम है स्टेट का और दूसरा कॉलम है रीजन का। इन दोनों में से या फिर आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, कंट्री होना चाहिए या फिर पिन कोड होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना ही होगा, तब जाके आप मैप चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस डेटा को पावर बीआई में मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो ये मेरा पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, वो डेटा को मैं इम्पोर्ट करने वाला हूँ। तो इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। मैं यहाँ से जो इम्पोर्ट डेटा है एक्सेल, मैं उस पर क्लिक करके मैं वो डेटा को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। मैं ये डेटा को सिलेक्ट कर लिया और मैं ये कर रहा हूँ ओपन। तो ये देख सकते हैं यह डेटा ये लोडिंग हुआ है, ये नेविगेटर का पैनल यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है कि ये सेल्स में 2022 एक्सेलेस करके एक फाइल है और उसमें एक सीट है। मैं इस सीट पे चेक करूंगा तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा मेरे पास कि उस फाइल में, उस सीट में किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। तो हमें कुछ अगर इस पे डेटा मॉडिफाई करना है तो हम ट्रांसफॉर्म टैब पे क्लिक करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट इसे लोड करना है, क्योंकि हमें देख के लग रहा है कि मेरा डेटा ओके है, इस पे हम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम लोड बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये डेटा अब मेरा पावर बीआई यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो डेटा था यहाँ पे अपलोड हो चुका है और ये डेटा, ये जो फील्ड वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, इसके नीचे में आपको दिखेगा ये सीट वन। मैं इस अगर एरो पे क्लिक करूं तो इसके अंदर में जितना भी कॉलम है मेरा उस एक्सेल सीट में, वो सारा कॉलम यहाँ पे दिखेगा। तो आज मैं आपको मैप चार्ट दिखाने वाला हूँ। तो मैप चार्ट का ऑप्शन आपको ये दिखेगा, ये जो विजुअलाइजेशन का जो पैनल है वहां पे आप यहाँ पे देखेंगे मैप करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्लैंक मैप यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो मैं इसे ड्रैग करके मैं इसे मिडिल में कर ले रहा हूँ और स्पेस के लिए मैं जो फिल्टर बटन है इसको मैं थोड़ा हाइड कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने ये मैप चार्ट यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे कुछ इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गए। तो इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है, लोकेशन का है, लीजेंड है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, साइज है, टूल टिप वगैरह सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लोकेशन में मैं जाकर मैं यहाँ पे स्टेट को ड्रैग करके मैं इस लोकेशन में डालूंगा। तो आप देखेंगे कि ये एरर यहाँ पे आ चुका है, ये आपके साथ भी हो सकता है। अब इस सेटिंग को कैसे ठीक करेंगे, ये मैंने जानबूझ करके मैंने ऐसे करके रखा था क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये आपके पास कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आप जाकर इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप ऐसे ऐसे स्टेप को फॉलो कीजिए तो आपका जो ये एरर आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन एंड सेटिंग, इसमें जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने से यहाँ पे एक पैनल ओपन होगा, इसमें आपको जाना है सिक्योरिटी का ऑप्शन में जाना है और इसके बाद नीचे की तरफ में जाएंगे, यहाँ पे ये जो दिख रहा है तीन, इन तीनों को आप यहाँ पे चेक कर दे और इसे करे ओके कर दे। अब मैं एक बार इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं फिर से एक बार इस मैप पे जाकर मैं क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ लिया, मैं इसे ट्रैक करके नीचे कर दे रहा हूँ। इस बार मैं यहाँ पे स्टेट को लोकेशन में मैं डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है स्टेट का और ये कितना बढ़िया चार्ट यहाँ पे बन चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरा लाइव है, यानी कि मेरे पास जो जो स्टेट था मेरे उस डेटाबेस में वो सारा यहाँ पे दिख रहा है कि कौन कौन सा स्टेट है। ये आप देखेंगे एक बबल टाइप का आ गया है यहाँ पे। तो डेटा में जो भी अवेलेबल रहेगा स्टेट, उनके अगेंस्ट में यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अब चलिए, यहाँ तो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड हो गया कि ये कौन कौन सा स्टेट कहाँ पे है, आप इसको जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि मेरा कितना क्वांटिटी सेल हुआ है स्टेट वाइज।
तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो ये क्वांटिटी का जो ये कॉलम है उसे मैं यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन मिलेगा साइज का, एड डेटा फील्ड हेयर, यहाँ पे आप रख सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी रख सकते हैं, टोटल सेल्स भी रख सकते हैं, क्वांटिटी भी रख सकते हैं, या कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं क्वांटिटी के ऊपर में बनाने जा रहा हूँ कि कौन से स्टेट में कितना का सेल हुआ है, तो मैंने इस साइज में मैंने ये डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बबल है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में आ चुका है। ये क्यों आया है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना सेल हुआ है, जिसका हायर सेल होगा उसका बबल यहाँ पे बबल का साइज सर्कल का साइज बड़ा होगा, और जिसका सेल कम होगा उसका बबल का साइज छोटा होगा। आप देख सकते हैं कर्नाटका यहाँ पे छोटा है, कितना क्वांटिटी सेल हुआ है 91, आपको ये टूल टिप पे भी दिखेगा। लेकिन अगर मैं जाऊँ ये सबसे बड़े सर्किल में जो कि सिक्किम है, जहाँ पे क्वांटिटी सेल हुआ है 150, तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा और मैं स्ट्रेच करके मैं बड़ा कर दे रहा हूँ तो देखने में अच्छा लगेगा। तो इसका ये एक फायदा है कि आप अगर एक्सेल में कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो उसका जो इम्प्रेशन बनेगा, और आप ये मैप में दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं, वो अगर सामने वाला कोई आपका क्लाइंट हो या फिर आपका कोई भी यूजर है वो देख रहा है तो उसे देखने में भी ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगेगा और वो आपसे इस रिपोर्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन है रीजियन का। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं रीजियन डालूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीजेंड ऑप्शन है, लीजेंड में मैं अगर यहाँ पे रीजन डाल दूँ तो आप देखेंगे ये लीजेंड के हिसाब से यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा इसका। आप ये देख लीजिए यहाँ पे ये कलर चेंज हो चुका है। कलर कैसे चेंज हुआ है, जो जो अलग अलग रीजन है उसके हिसाब से हुआ है। ये आपको यहाँ पे टॉप में आपको दिखेगा कि अगर ब्लू कलर है वो सेंट्रल का है, अगर डीप ब्लू है तो ईस्ट का है, मैरून कलर है तो नॉर्थ का है, साउथ एंड वेस्ट। तो ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन को यहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इस कैसे बेसिक इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऐसे मैं अपने पुराने वीडियो में कैसे चार्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं उसका मैं डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये चीज़ देखना है तो हमारे पुराने इस वीडियो को देख सकते हैं इसी चैनल पे। मैं इस मैप चार्ट को मैं आपको फॉर्मेट करके दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आप जाएंगे यहाँ विजुलाइजेशन पैनल में, यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो मैप सेटिंग का आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप को आपको मैप का स्टाइल मिलेगा। जैसे हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अगर मैं एरियल की बात करूँ तो जो एरियल पे मैंने क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं गूगल मैप में हम लोग ऐसा ही यूज करते हैं, तो ये पूरा एरियल व्यू आ चुका है। आप ये भी कर सकते हैं, डार्केन कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो आपके सूट करता है वो आप यहाँ से उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोड करके मैंने इसे कर दिया, और इसे मैं माउस के थ्रू स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, इसे ड्रैग भी कर सकता हूँ। इसके अलावा आप जो यहाँ पे यूज दिख रहे हैं सर्कल, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा, ये जो बबल्स करके दिख रहा है यहाँ पे जाना होगा। आप यहाँ पे इसका साइज भी बड़ा और कम कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, और इसका कलर चेंज करने के लिए कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग लाइव कोई भी रिपोर्ट को हम लोग चार्ट पे दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग अपना सेल्स से किसी भी टाइप का रिपोर्ट हम लोग मैप पे दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी टाइप के नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।